मिनिमल पॉलिनोमल निकालना है जो गिवन मैट्रिक्स है और इसके लिए हमें फोर सजेशन दे रखे हैं अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डाइगनल है उसकी लास्ट एंट्री नॉन ज़ीरो है और उससे लो जो लोअर डायगनल है उसकी एंट्रीज़ हैं वन वन और अदर एंट्रीज़ लोअर डाइगनल से ज़ीरो हैं तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो कंपेनियन मैट्रिक्स होती है और कंपेनियन मैट्रिक्स में ये इस तरह से माइनस ऑफ ए नोट माइनस ऑफ ए वन माइनस ऑफ ए टू और अगर ये हायर ऑर्डर की है तो इसी तरह ये चलता रहेगा इस केस में अगर हमें करेटरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है तो वो किसके किस तरह से निकालते हैं क्योंकि ये थ्री ऑर्डर का है तो एक्स प्लस ए नोट एक्स प्लस ए वन सॉरी ए नोट एक्स स्क् ए वन एक्स प्लस ए टू ये हमारा कैरेटरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा यहाँ पर ए नोट जो होता है ये ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है और जो ये लास्ट एंट्री होता होती है माइनस ए टू ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ये कंपेनियन मैट्रिक्स है इस केस में मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस ए नोट का वैल्यू है वन सॉरी ए नोट का वैल्यू है माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट होगा